नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो आपके जून 2022 में रेलवे एनटीपीसी CBD 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो उसमें सिलोजिज्म से आपकी प्रत्येक शिफ्ट में 2 सवाल ज़रूर पूछे गए हैं। तो आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में एक तरीके से दावा कर सकते हैं, रीजनिंग वाले पोर्शन में सिलोजिज्म से 100% सवाल आने ही वाला है। तो रेलवे जिस पैटर्न से सिलोजिज्म से सवाल पूछ रहा है, वो सारे सवाल जो एनटीपीसी CBD 2 में बार बार रिपीट किए गए थे, कुछ ऐसे ही सवाल आपको यहाँ पर कवर करने वाले हैं जो मोस्ट रिपीटेड रेलवे ने अभी हाल ही में एनटीपीसी CBD 2 में सिलोजिज्म रीजनिंग से सवाल पूछे हैं। सारे सवाल देखते हैं कि करके, उससे पहले जान लेते हैं सिलोजिज्म का क्या कंसेप्ट रहता है जिन पर आधारित बार बार रेलवे सवाल रिपीट करता है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दोस्तों, स्पेशल जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं, अब तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट 100% लगाना ही लगाना है। तो अभी टेस्ट बुक पर जो मंथ एंड सेल चल रहा है, जिसमें मेगा प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ पर आपको ₹500 वाला जो मॉक टेस्ट है वो 360 में मिल रहा है। आफ्टर आप जब TTG के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ₹140 का मैक्सिमम डिस्काउंट आप यहाँ पर ले सकते हो, और लाइफ टाइम पास में भी इस प्रकार आप ₹160 का मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो, जिसमें आपकी 3 ईयर वैलिडिटी रहती है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जितने चाहे एग्जाम्स के, सभी सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के एक ही पास में सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो ये ऑफर डील है 27 से 31 जुलाई, इनके मध्य यदि आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं वो आपसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित मॉक टेस्ट रहते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। और सवाल करने से पहले कुछ बेसिक समझेंगे तो वो थोड़ा सा आपको जल्दी से बिना कुछ देरी किए हम उसको समझाते हैं कि सभी ए बी के बराबर है। इसको हम डायग्राम से कैसे बनाएंगे, देखो कि सभी ए बी के बराबर है तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा ए है, ठीक है, और इसको हम किसके अंदर बनाएंगे, बी के अंदर बना देंगे। तो ये हमारा डायग्राम हो गया है, सभी ए बी है, इस प्रकार से बनाएंगे। कुछ ए बी के लिए किस प्रकार से बनाएंगे कि देखो ए हमारा है, उसका कुछ पार्ट क्या है, बी के अंदर है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है कॉमन पार्ट ये बी के अंदर है, तो कुछ के लिए हम डायग्राम इस प्रकार से बनाएंगे। और कोई ए बी नहीं है, इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे कि देखो ये हमारा ए हो गया है, ये बी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं काटेगा। तो हम जिन जिन को नहीं कट करना है उनको तीर से डिनोट कर देंगे। इस प्रकार से ये तीनों हमारे डायग्राम है। अब स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। बस आपको इन तीन डायग्राम को ही ध्यान रखना है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि सभी ए बी है, इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी के अंदर है, सारे के सारे ए क्या है, बी है। कुछ ए बी है, इसका मतलब कुछ पार्ट है जो ए के अंदर वो बी का है, बाकी का पता नहीं है, है या नहीं वो हम श्योर नहीं कह सकते, लेकिन कुछ पार्ट है। और कोई नहीं वाला जो सवाल है उसके अंदर हम इस तीर से दिखाएंगे कि ये दोनों आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक चीज़ और आपको समझने की है कि जो नहीं वाले सवाल होते हैं उसमें हम संभावना चेक करते हैं होने की, कि कोई भी यदि होने की संभावना है तो वो हम कहेंगे कि ये नहीं वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो कैसे करेंगे वो आपको अभी सब समझ में आ जाएगा, आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। स्टार्ट करते हैं अपने सवालों को। और सबसे पहला सवाल हमारे पास ये है, क्या कह रहा है कि पहले कथन दे रखे हैं कुछ, तो उन तीन कथन से हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में निष्कर्ष से हम आंसर निकालेंगे। कुछ पेंसिल पेन है सबसे पहला, तो देखो पेंसिल है, ये वाला गोला हमारा पेंसिल का हो गया। कुछ पेंसिल क्या है, पेन है, तो कुछ का डायग्राम ऐसे बनता है कि कुछ पेंसिल क्या हो चुके हैं, पेन हो चुके हैं, एक चीज। फिर कह रहा है कोई पेन शॉर्पनर नहीं है, तो पेन वाला गोला और शॉर्पनर वाला जो गोला है वो आपस में इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ये शॉर्पनर वाला गोला हो गया। तो ये इन दोनों को तीर से दिखा दिया कि ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे। फिर कह रहा है सभी शॉर्पनर स्टेपलर है, तो ये जो शॉर्पनर वाला गोला है ये क्या है, सारे के सारे शॉर्पनर क्या है, स्टेपलर है, तो ये हमारा हो गया स्टेपलर, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने कथन के अनुसार डायग्राम बना दिया है। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है, देखो स्टेपलर यहां पर है और पेन कहां पर है, यहां पर है। अब आपको देखो कैसे करना है इस सवाल को, आपको
जो नहीं वाले स्टेटमेंट है उनको छोड़कर जितने भी स्टेटमेंट है वो आपको डायरेक्ट इस डायग्राम से देखना है कि वो वाला भाग आपस में काट रहे हैं क्या, किसी के अंदर आ रहा है क्या, उससे देखना है आपको। जैसे कि पहला जैसे निष्कर्ष दिया गया है, कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है। अब देखो स्टेपलर यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये हमारा कैंसिल हो चुका है। ठीक है, कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है, तो स्टेपलर इधर, पेन इधर, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये ऐसा नहीं है कि कुछ स्टेपलर पेन हमारे नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, सभी पेंसिल पेन है। देखो पेंसिल यहाँ पर है और पेन यहाँ पर है, तो सभी पेंसिल तो पेन नहीं है, केवल कुछ होता तो सही होता, सभी वाला है इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि निष्कर्ष एक भी गलत है, निष्कर्ष दो भी गलत है। कहाँ पर है ऑप्शन आपका, ऑप्शन स्टेट यानी कि जो आंसर था, आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। ये नंबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो चौथा ऑप्शन हमारा हो चुका है कि एक भी निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है और दूसरा निष्कर्ष भी पालन नहीं कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कथन दे रखा है कि सभी बकरियां जानवर है, तो इसके अनुसार बनाते हैं बकरियों को हम, चलो बकरियों को जी से डिनोट कर देंगे, जानवर को ए से डिनोट कर देंगे, और मांसाहारी को हम किसे, एम से डिनोट कर देंगे। चलो तो देखो जल्दी से हम बनाते हैं कि सभी बकरियां, बकरियों को किससे, जी से डिनोट किया, सभी की सभी बकरियां क्या है, जानवर है, तो हम इसके जानवर के अंदर बकरियां बना दी है। कुछ जानवर मांसाहारी है, मान लिया कि ये वाले जानवर क्या है, मांसाहारी है, एम से कितने कुछ का आया है। ठीक, तो अब देखो निष्कर्ष क्या है, सभी बकरियां मांसाहारी है, तो देखो बकरियां ये रही, मांसाहारी ये रहा, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो सभी तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे दोनों, तो सभी तो नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट गलत। कुछ जानवर बकरियां हैं, अब देखो जानवर को हमने ए से दर्शाया है, कुछ जानवर बकरियां हैं, तो देखो सारे के सारे तो नहीं है, मगर कुछ जानवर, इतने इतने जो जानवर है वो तो बकरियां है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका राइट हो चुका है। देखो यदि वो कहता सभी जानवर बकरियां हैं तब तो नहीं होता, क्योंकि ये जो इसके बाहर वाला जो भाग है ये तो उसने नहीं दिया कि बकरियां है या नहीं, बस उसने कहा है कि सभी बकरियां जानवर है, तो इतना इतना जो भाग है वो हमें पता है कि है, तो कुछ जानवर तो बकरियां जरूर है जो ये इस गोले के अंदर है, तो इसलिए हमारा कथन जो निष्कर्ष 2 है वो राइट है। तो हम कहेंगे कि निष्कर्ष 2 सही है, केवल ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन, सभी बतख बाघ है, सभी बाघ बंदर है, सभी बंदर गाय हैं। तो देखो सबसे पहले हम बतख को लेते हैं, ठीक है, बतख को हम बै से बना रहे हैं, अब की बार ये बतख हो गया, फिर इसके चारों मेर बाघ है, बाघ को हम बाघ ही लिख देते हैं, और सभी बाघ क्या है, बंदर है, तो ये बाघ किसके अंदर आ जाएंगे, अब की बार बंदर के अंदर आ जाएंगे, और सभी बंदर क्या है, गाय है, सभी बंदर क्या है, गाय है, तो ये गाय हो गए। इस प्रकार से अब आपको निष्कर्ष चेक करने, सभी बाघ गाय हैं, देखो बाघ ये है तो बाघ गाय है, तो बाघ गाय के अंदर आ रहा है तो सही है। ठीक है, ये हमारा राइट है। सभी बंदर बतख है, बंदर बतख है, ठीक है, ऐसा नहीं है सभी बंदर बतख नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर वाला है केवल इतना भाग ही बतख है बंदर, ठीक है, इतने बंदर की बात करें वो तो बतख है, इसके बाहर वाली जो बंदर है वो बतख नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सभी बतख गाय हैं, सभी बतख गाय है, ठीक है, बतख अंदर आ रहा है गाय के तो वो है, इसलिए ये वाला राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, सभी गाय बाघ है, सभी गाय बाघ है, तो देखो गाय बाहर आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, तो निष्कर्ष 1 और 3 सत्य है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ये 2 हो गया, 2 वाला हमारा क्या है, राइट है, ये वाला निष्कर्ष हमारा राइट है। आगे बढ़ते हैं। कथन, सभी पेन पेंसिल है,
कुछ पेन किताबें हैं, ये सारे के सारे सवाल है जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने लिया है। सभी पेन पेंसिल हैं, तो देखो पेन बना दिया सबसे पहले, सारे के सारे पेन क्या है, पेंसिल है, तो पेंसिल क्या आएगा, बाहर आएगा इस प्रकार से। कुछ पेन किताबें हैं, अब ये जो कुछ पेन है ना वो किताबें हैं, तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये वाला डायग्राम आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हमें पेन को कुछ करना है। ये वाले जो पेन है ये है क्या है, किताबें हैं, बाकी के बारे में नहीं बताया, तो आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। सभी किताबें पेन है, वह हम निष्कर्ष चेक कर रहे हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी किताबें पेन है, तो देखो सभी किताबें पेन है ऐसा तो नहीं है, कुछ है केवल, तो ये निष्कर्ष गलत। दूसरा चेक करो, कुछ पेंसिल किताबें हैं, अब देखो कुछ पेंसिल किताबें हैं, तो इतनी पेंसिल है जो देखो हमें पता चल रहा है कि किताबें हैं, तो कुछ तो सही है, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन नंबर 2। तो हमें अब चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2 कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 में, ये हमारा राइट है। आगे बढ़े, इसमें कहा गया है कि कुछ लड़के सुंदर है, कुछ लड़के, तो ये हो गया लड़के, और कुछ लड़के सुंदर है, तो इस प्रकार से बना देंगे सबसे पहले। फिर कह रहा है कोई सुंदर नियोजित नहीं है, अब सुंदर और नियोजित आपस में कभी नहीं काटेंगे, तो नियोजित को मैं नी से दर्शा रहा हूं केवल। उसके बाद में कह रहा है कि कोई स्नातक लड़का नहीं है, अब ये जो लड़का है ये भी, तो इसको हम डबल तीर से दिखा देते हैं, कोई भी लड़का क्या नहीं है, स्नातक नहीं है, तो स्नातक और ये दोनों अलग अलग है, ये आपस में नहीं काटेंगे लड़के और स्नातक, बाकी काट सकते हैं वो हमें पता नहीं है, ना तो कथन में उसने दिया है ना, हम जब तक नहीं देगा तब तक हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कह सकते। तो अब निष्कर्ष की बात करते हैं, कुछ सुंदर स्नातक नहीं है, कुछ सुंदर स्नातक नहीं है। अब देखो ये स्टेटमेंट जो निष्कर्ष पूछे गए हैं वो नहीं वाले आ गए, नहीं वाले आते ही हम सारी संभावना होने वाली चेक करते हैं। देखो कुछ सुंदर स्नातक नहीं है, तो ये देखो स्नातक ये रहा, कौन नहीं हो सकते, लड़के नहीं हो सकते, लेकिन हम मैं इसको इस प्रकार से तो बना सकता हूँ। एक देखो आपको संभावना चेक करके बताता हूँ कि मैंने डायग्राम इस प्रकार से बनाया, ये क्या हो गया मेरा, स्नातक का हो गया। देखो कथन है जो वो आपको सही बैठेंगे, तीन कथन तो सही थे, तीसरा कथन देखो कोई स्नातक लड़का नहीं है, स्नातक है लड़का नहीं है, आपस में दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लड़की और स्नातक वाला गोला, तो देखो ये निष्कर्ष हमारा सही है। अब इसके अनुसार यदि हम निष्कर्ष देखते हैं, पहला निष्कर्ष देखो कुछ सुंदर स्नातक नहीं है, सुंदर और स्नातक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं वाले में हम हर कंडीशन चेक करके देखते हैं, तो देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है कर सकते हैं, क्योंकि ये वो केवल कथन में इतना कहा है कि लड़के और स्नातक आपस में काट नहीं रहे हैं, बाकी काट सकते हैं, वो हम हर होने की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका कथन 1 है जो सही नहीं है, ठीक है। तो ये स्नातक था हमारा, और ये इस प्रकार से, तो नहीं वाले में हम जितने भी होने की संभावना है वो चेक करेंगे। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, वो कह रहा है कोई नियोजित लड़का नहीं है, ये रहा नियोजित और ये रहा लड़का। अब हमें पता है कि नियोजित सुंदर नहीं हो सकते, लड़का तो हो सकते, ऐसा तो कुछ ने दिया नहीं है कि कोई भी लड़का नियोजित नहीं है, तो नहीं दिया तो इसका मतलब संभावना है कि शायद तक नियोजित लड़के हो भी सकते हैं, तो इसलिए ये दूसरा कथन भी गलत है, दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तो अब आप चेक करो कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसके अंदर न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही 2 पालन करता है। कथन, सभी कबूतर फागते हैं और सभी फागते मैना है, ये 2 कथन दिए आपको, तो सबसे पहले क्या आएगा, कबूतर आ जाएगा। कबूतर किसके अंदर, फागते के अंदर, फागते को मैं एफ से बना देता हूं, और सभी फागते हैं वो किसके अंदर आ गया, मैना के अंदर आ गया, इसको मैना लिख दिया इस प्रकार से, कबूतर फागते मैना इस प्रकार से कर दिया। अब निष्कर्ष चेक करते हैं कि देखो सभी मैना कबूतर है क्या, तो देखो मैना कबूतर है क्या, अब देखो कबूतर अंदर आया है, सभी मैना नहीं है, केवल इतनी इतनी मैना तो है, ठीक है,
मगर बाकी की जो मैना बच गई है वो तो कबूतर नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। सभी कबूतर मैना है, सभी कबूतर तो मैना है, क्योंकि जितने के जितने कबूतर है वो तो मैना के अंदर ही है, तो ये वाला हमारा राइट हो गया। तो हम कहेंगे निष्कर्ष दो केवल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आगे बात करते हैं, कथन। कुछ आम संतरे हैं, ये वाले आम, कुछ आम क्या हो गए, संतरे हैं, ऐसा दिया है उसने। अब निष्कर्ष क्या है, सभी, एक और निष्कर्ष है, सभी संतरे अंगूर हैं, सभी संतरे क्या है, अंगूर है, तो सारे संतरों को आप अंगूर के अंदर बंद कर दो इस प्रकार से। अब चेक करो, सभी अंगूर क्या संतरे हैं, नहीं, कुछ होता तो हो सकता था लेकिन सभी नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। सभी आम अंगूर है, आम यहाँ पर है, अंगूर यहाँ पर है, सभी तो नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो हम कहेंगे कि न तो निष्कर्ष 1 पालन कर रहा है और न ही निष्कर्ष 2 पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कथन, नो डॉग इज कैट, कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो हम कुत्ते को ऐसे यहां पे बना देते हैं और इसके तीर लगा देंगे और कह देंगे कि कोई भी कुत्ता क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है, इस प्रकार से। फिर ऑल कैट आर रैट, जितनी भी बिल्लियां है वो क्या है, चूहे है, ऐसा कहा गया है, क्या है, चूहा है, जितनी भी बिल्लियां है वो क्या है, चूहा है, तो ये हो गया। अब देखो हम निष्कर्ष चेक करते हैं, नो डॉग इज रेड, कि कोई भी कुत्ता डॉग नहीं है, तो देखो हमें पता है कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता, मगर नहीं वाला स्टेटमेंट है, इसलिए हम सारी संभावना चेक करेंगे, तो कुत्ता चूहा तो हो सकता है, ऐसा तो कहीं कथन में नहीं दिया कि कुत्ता चूहा नहीं है, तो पहला हमारा क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। दूसरा चेक करते हैं, नो रेट इज डॉग, तो यदि डॉग हो सकता है चूहा, तो इसका मतलब रैट भी डॉग हो सकता है, तो ये दोनों ही गलत हो गए हैं। अब सम रैट आर कैट्स, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, तो हाँ कुछ चूहे तो बिल्ली जरूर है, ये आपका सही है। ऑल रैट आर कैट्स, ये आपका गलत है, देखो सारे के सारे चूहे तो बिल्ली नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर की यदि मैं यहां देखूं तो यहां वाले चूहे तो बिल्ली नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष नंबर 3 केवल सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात करें, कथन, सभी पुरुष रॉबर्ट हैं, पुरुष क्या है, जितने भी पुरुष हैं वो क्या है, रॉबर्ट है, और सभी रॉबर्ट क्या है, मशीनें हैं, सभी रोबोट क्या है, मशीनें हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखो सभी मशीनें पुरुष हैं, नहीं, दूसरा ये आपका गलत हो गया, कुछ रोबोट पुरुष हैं, अब देखो कुछ रोबोट पुरुष है, ये तो आपका सत्य है, क्योंकि ये वाले जो रोबोट है ये तो पुरुष है ही, इतना भाग तो जो रोबोट का है वो भी पुरुष का भी है, तो कुछ रोबोट आपके पुरुष है, तो ये सत्य हो गया। तो निष्कर्ष 2 केवल पालन करता है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका। आगे कथन, कुछ कुत्ते गधे हैं, अब कुछ कुत्ते क्या है, गधे हैं, ऐसा कह रहा है वो, और कोई गधा घोड़ा नहीं है, तो गधा और घोड़ा आपस में नहीं जुड़ेंगे, यानी कि नहीं काटेंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, देखो नहीं वाला स्टेटमेंट आ गया, तो हम चेक करेंगे कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है। अब आप देखो, आप चेक करो, ये वाले जो कुत्ते हैं, क्योंकि ये कुत्ते में भी आ रहा है और गधे में भी आ रहा है, मगर आपको ये पता है कि गधे के अंदर यदि ये आ रहा है तो ये बाघ कभी भी क्या नहीं हो सकता, घोड़ा नहीं हो सकता, तो और ये कुत्ते में भी आ रहा है, तो ये वाले जो कुत्ते हैं वो कभी घोड़ा नहीं हो सकता, ये हमें पता है, क्योंकि ये
कभी भी आपस में, ये वाला भाग है इंटरसेक्ट, कभी नहीं काटेगा आपस में, तो ऑप्शन नंबर एक हम कहेंगे सही है। कुछ घोड़े कुत्ते हैं, देखो कुछ घोड़े हैं जो कुत्ते हैं, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं है कि कुछ घोड़े कुत्ते हैं, नहीं दे रखा। अब देखो घोड़ा यहाँ पर है, कुत्ते वाला यहाँ पर है, और स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है। घोड़े वाला डायग्राम यहाँ पर, कुत्ते वाला डायग्राम यहाँ पर, और स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि आपस में ये कहीं पे काट ही नहीं रहे। तो केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ये ऑप्शन नंबर जो एक दे रखा है ये वाला हो जाएगा। आगे बात करें, अगला सवाल, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, मोबाइल को एम से दर्शा देते हैं, लैपटॉप को एल से दर्शा देते हैं, कंप्यूटर को सी से दर्शा देते हैं, और फोन को हम पी से दर्शा देंगे। तो देखो कुछ मोबाइल है जो हमारे क्या है, लैपटॉप है, ओके, कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं, कोई भी आपका जो लैपटॉप है वो क्या नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, एक चीज, और सभी फोन कंप्यूटर है। अब देखो कौन है सभी फोन, तो थोड़ा सा हमें ऐसे करना पड़ेगा, इसका कंप्यूटर का डायग्राम बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्यूटर का हो गया, और फोन इसके अंदर है, कि सभी फोन क्या है, कंप्यूटर है, इस प्रकार से हो गया। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, कम से कम कुछ मोबाइल कंप्यूटर है। देखो मोबाइल कंप्यूटर इधर है, मोबाइल इधर है, तो नहीं है, ऑप्शन नंबर एक गलत। कम से कम कुछ फोन लैपटॉप है, फोन यहाँ पर है, लैपटॉप यहाँ पर है। अब आपको पता है कि ये दोनों दूर दूर है, सिंपली देखने से पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दोनों दूर दूर है, तो हम कह देंगे ये भी गलत है, नहीं है। तो आपके निष्कर्ष एक भी गलत है, निष्कर्ष दो भी गलत है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो पालन करता है, ये वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कथन, सभी स्टूल गोल है, ठीक है, कुछ पर्वत गोल है, ठीक है, कुछ तालाब पर्वत है। तो देखो सबसे पहले आ गया स्टूल, और सभी स्टूल क्या है, गोल है, गोल के अंदर ले लो, ठीक है, कुछ पर्वत गोल है, पर्वत क्या है, कुछ पर्वत गोल है, तो इस प्रकार से बना दिया। कुछ तालाब पर्वत है, कुछ तालाब क्या है, पर्वत है, तो तालाब और पर्वत आपस में काटेंगे कुछ, और सभी तालाब वर्गाकार है। अब देखो सभी के सभी तालाब वर्गाकार है, तो तालाब किसके अंदर आएगा, वर्गाकार के अंदर आएगा, तो ये हमारा पूरा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब निष्कर्ष चेक करते, कुछ तालाब गोल है, तो कुछ तालाब है, तालाब यहाँ पर है, गोल वाला डायग्राम यहाँ पर है, नहीं काट रहे हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा ऑप्शन निष्कर्ष नंबर एक गलत है। दूसरे की बात करें, कुछ पर्वत वर्गाकार है, पर्वत ये रहा वर्गाकार, इसको काट रहा है ये वाला भाग, तो हम कहेंगे कि कुछ पर्वत वर्गाकार है, तो ऑप्शन नंबर दो सही है। कुछ तालाब पर्वत और गोल दोनों है, तालाब पर्वत तो है, कुछ तालाब पर्वत तो है लेकिन गोल नहीं है, तालाब गोल नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया। कुछ स्टूल वर्गाकार है, स्टूल यहाँ पर है, वर्गाकार यहाँ पर है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, तो ये आपका हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, चौथा वाला जो आपका निष्कर्ष, चौथा वाला जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा। कथन, कुछ समान सुंदर है, समान, कुछ समान क्या है, सुंदर है, इस प्रकार से। कुछ सुंदर मूल्यवान है, कुछ सुंदर क्या है, मूल्यवान है, इस प्रकार। अब निष्कर्ष, कुछ समान मूल्यवान है, देखो मूल्यवान इधर है, समान इधर है, नहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे, तो हम कह देंगे गलत है। सभी मूल्यवान सुंदर है, सभी मूल्यवान सुंदर है क्या, यहाँ से देखने से पता चल रहा है कुछ है, सभी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो एक और न ही दो, ये चौथा वाला जो आपका ऑप्शन है ये वाला होगा,
अगला सवाल, कुछ बैट बॉल हैं, बैट क्या है, बॉल है, कुछ ये नहीं, कुछ कुछ बैट क्या है, बॉल है, ओके, सभी बॉल कैप है, सारी की सारी बॉल क्या है, हम कहेंगे कैप है, सभी कैप खिलाड़ी है, सभी कैप क्या है, खिलाड़ी है, इस प्रकार से बना देंगे, और कोई खिलाड़ी हैट नहीं है, तो खिलाड़ी और हैट आपस में कभी नहीं काटेंगे। अब देखो बात करते हैं निष्कर्ष एक, कोई बैट कैप नहीं है, बैट ये रहा कैप ये रहा, काट रहे हैं आपस में, ठीक है, बैट ये रहा कैप ये रहा, तो ये आपका गलत हो गया है, सभी कैप बॉल है, सभी कैप बॉल है, कैप ये रहा और बॉल ये रहा, सभी कैप बॉल है तो नहीं है, कुछ कैप बॉल है लेकिन सभी नहीं है, सभी बॉल कैप कह सकते हैं मगर कैप सारी की सारी बॉल नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, कुछ हैट कैप है, देखो हैट वाला डायग्राम यहाँ पर है, इस साइड है, कुछ हैट कैप है और कैप यहाँ पर आपस में काट ही नहीं रही है, इसलिए हम इसको गलत हो गया, कोई हैट बॉल नहीं है, अब नहीं वाला आ गया है, तो नहीं वाला आ गया तो जितनी संभावनाएं हैं वो चेक करेंगे, कोई हैट बॉल नहीं है, तो देखो हैट यहाँ पर है और बॉल यहाँ पे है, हम जानते हैं कि खिलाड़ी के अंदर ही आ रही है बॉल, और खिलाड़ी वाला जो गोला है वो हैट वाले को नहीं काटेगा और बॉल उसके अंदर आ रही है, तो यानी कि हैट बॉल कभी नहीं हो सकती है, ये हमारा सही है ऑप्शन, ये निष्कर्ष नंबर 4 केवल सही है, केवल निष्कर्ष 4 पालन कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में दिया गया है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, कंप्यूटर को सी से दर्शा देंगे, लैपटॉप को एल से, और मोबाइल को एम से दर्शा देंगे, तो सभी कंप्यूटर क्या है, हम कहेंगे लैपटॉप है, कुछ लैपटॉप मोबाइल है, कुछ लैपटॉप मोबाइल है, निष्कर्ष की बात करते हैं, कुछ कंप्यूटर मोबाइल है, कंप्यूटर यहाँ है मोबाइल यहाँ है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये ऑप्शन गलत, कुछ मोबाइल कंप्यूटर है, मोबाइल और कंप्यूटर है, ये भी आपका गलत हो गया है, कुछ मोबाइल लैपटॉप है, आप देखो मोबाइल लैपटॉप हो सकते हैं कुछ, ये वाला भाग तो है, तो ये आपका राइट हो गया, तो इसलिए केवल निष्कर्ष 3 पालन कर रहा है ये ऑप्शन नंबर 4। फिर से आगे बढ़ते हैं, इस सवाल में दिया गया है कि कुछ कागज मेज है, कागज क्या है, मेज है, कुछ कागज क्या है, आपके मेज है, कुछ रस्सियां मेजे हैं, अब रस्सियों को ले लो इसके अंदर, रस्सियां, और सभी मेजे कपड़े हैं, और जितनी की जितनी मेज है वो सारी की सारी क्या है, कपड़े, तो मेज को आप कपड़े के अंदर बंद कर दो, इस प्रकार से निष्कर्ष की बात करते हैं, कुछ कागज कपड़े हैं, कागज ये रहा कपड़े ये रहा, कुछ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला भाग, तो हम कहेंगे है ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया, कुछ रस्सियां कपड़े हैं, रस्सियां यहाँ पर है कपड़े यहाँ पर, ये भी आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम कह देंगे कुछ रस्सियां तो कपड़े जरूर है, कोई कपड़ा रस्सी नहीं है तो है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, कपड़ा कुछ कपड़े तो रस्सियां जरूर है, कोई कागज रस्सी नहीं है, कागज यहाँ पर रस्सी यहाँ पर है, लेकिन वो नहीं वाला स्टेटमेंट है, तो हम संभावना चेक कर सकते हैं कि आपस में काट तो सकते हैं, ऐसा कथन में तो कहीं नहीं दिया गया है कि कागज कभी भी रस्सियां नहीं होगी, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये संभावना तो है कि कागज और रस्सियों को हम एक साथ जोड़ दें आपस में काटें, यदि इस प्रकार से डायग्राम बनता कि देखो ये कागज है, ये आपका रस्सियां काट रहा है इस प्रकार से, ठीक, और इन दोनों का भाग यहाँ पर मेज हो जाता और इसी को घेर के ऐसे बन जाता ये, ठीक है, तो ये जो काट रहा है भाग, इधर हमने कागज कहा था, ये कागज था हमारा, ये रस्सियां था, तो ये दोनों भाग आपस में काट रहे हैं, ये कह रहा है कि कोई कागज रस्सियां नहीं है, तो इस प्रकार की संभावना तो है
तो देखो संभावना जब भी आती है, यानी नहीं वाला स्टेटमेंट जब भी आता है, हम संभावना चेक करते हैं। जो भी बन सकता है, जो भी संभावित डायग्राम बन सकता है, वो हम चेक करते हैं। नहीं जब भी दिया होता है तो आपको है वाले जितने भी चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कागज और रस्सियां आपस में मेल कर सकता है, यदि मैं दोनों को आपस में बना दूं तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत हो गया। तो केवल 1 और 2 निष्कर्ष सही है, ये आपका केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करता है, ये वाला आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि सभी घोड़े सुअर हैं और सभी सुअर मछलियां हैं। तो देखो घोड़े सबसे अंदर आ जाएगा, उसके बाहर क्या आएगा, सुअर आ जाएगा, और उसके बाहर आपका क्या आ जाएगा, मछलियां आ जाएगा, उसके बाहर क्या आ जाएगा, मछलियां आ जाएगा। अब निष्कर्ष चेक करते हैं, सभी मछलियां सुअर है क्या? देखो मछली बाहर है, सुअर अंदर है, तो नहीं हो सकता, ये आपका ऑप्शन गलत। सभी घोड़े मछलियां है क्या? सभी घोड़े तो मछलियां हो सकती है, क्योंकि जितने भी घोड़े हैं वो मछलियों के अंदर है, तो ये राइट हो गया। केवल आपका कथन 2, निष्कर्ष 2 राइट है, केवल निष्कर्ष 2 आपका पालन करता है, ये हो गया। आगे इसमें दिया गया है कि सभी डस्टर बॉल हैं। तो देखो सभी डस्टर बॉल हैं और सभी कैप भी बॉल है। वो कह रहा है कि एक तो आपका डस्टर है, ठीक है, वो भी बॉल है, और आपका एक कप है, वो भी बॉल है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, बॉल के अंदर आएंगे, बॉल के अंदर आ जाएंगे, ये हमारा बन गया। निष्कर्ष की बात करें, सभी बॉल कप है। देखो सभी बॉल कप नहीं हो सकते, कप बॉल है लेकिन बॉल कप नहीं है, केवल कुछ बॉल कप है, तो ये आपका गलत हो गया। कोई डस्टर कप नहीं तो है, इसलिए ये नहीं वाला तो ऐसे ही गलत हो गया। तो निष्कर्ष 1 सत्य और न ही निष्कर्ष आपका 2 पालन करता है, ठीक है। क्योंकि डस्टर कप अभी तो आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, मगर हम इनको एक साथ बना दे तो भी कोई कथन गलत नहीं होगा। देखो मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ऐसे यदि मैं बना दूँ, ठीक है, एक ये भी तो डायग्राम बन सकता है, संभावित डायग्राम। अब आप देखो कथन पहले चेक करो कि कोई गलत हो रहा है क्या। सभी डस्टर बोल है, सारे के सारे डस्टर क्या बोल है, सभी कप भी बोल आ रहे हैं। अब निष्कर्ष चेक करो, निष्कर्ष 2 की बात करो, कोई डस्टर कप नहीं है ना, तो इसलिए हम जितने भी संभावित डायग्राम होते हैं वो चेक करते हैं जब नहीं आता है। जितनी भी संभावनाएं बन सकती है वो सारी चेक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन नंबर 4 न तो निष्कर्ष 1 और न 2 पालन करता है। आगे सभी छात्र शिक्षक हैं और सभी शिक्षक मनुष्य हैं। तो ये तो सिंपल सा है, देखो छात्र हो गया सबसे अंदर, उसके बाहर क्या आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा, और उसके बाहर क्या आ जाएगा, उसके बाहर आपका मनुष्य आ जाएगा, सभी शिक्षक मनुष्य हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं, सभी शिक्षक छात्र हैं। शिक्षक छात्र सभी के सभी नहीं है, कुछ है, इसलिए ये गलत। सभी मनुष्य छात्र है, मनुष्य बाहर है, छात्र अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। सारे के सारे मनुष्य छात्र नहीं है, तो आपका न तो 1 पालन कर रहा है न 2 पालन कर रहा है, ये चौथा वाला हो गया आपका। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने कुछ सिलोगिज्म के सवाल किए हैं। ये आपको कैसे लगे आप कमेंट में बता सकते हो। आपके ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इनको जरूर करके जाना, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी 2 से 3 सवाल हर पेपर में पूछे गए थे। और मिलते हैं इसी प्रकार के आगे भी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू दोस्तों।